शांति व्यवस्था और अभियोजन समिति की बैठक जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एडीएम प्रशासन चतुर्भुज गुप्ता सहित शासकीय अधिवक्ता मौजूद रहे। बैठक में लंबित वादों के निस्तारण, गुंडा एक्ट, SC ST एक्ट सहित अन्य कानूनी वादों के निस्तारण के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में डीएम ने कहा कि लंबित सभी वादों को समय से निस्तारित किया जाए, जिससे लोगों को सरल और सुलभ न्याय मिल सके। रिटायर हो गए हैं तो प्रॉब्ली वहाँ से कुछ नोटिफिकेशन आया है तो वो एक एक सीढ़ी ऊपर हो जाएंगे लोग, तो काफी कोर्ट है खाली है सर। लिस्ट तो सर पहले भी दी जा चुकी है सर। वो कब दिए कप्तान साहब क्या सर आपके ऑफिस में अलग शेयर बना था सर उसमें 10-10 मुकदमे सब लोग पहले दे चुके हैं सर कब, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो पा रहा सर पुलिस द्वारा। सर दिए कब लास्ट वन सर सब फोटो लिया था सर। अब इस बार जो एसएसपी साहब ने पिछले मीटिंग में बताया सर तो उसमें एक एक उन्होंने स्वयं एक दो तीन हर कोर्टों का उन्होंने चिन्हित करके भेजा है सर। जैसे हमारे पाक्सुम सर एक स्टेट नवाब सर कर दिया सर जो है इन लोगों की मीटिंग करके इन लोगों को हमने ध्यान दिया है। मीटिंग हुआ था हमने हमने किया है। अच्छा ठीक है। इन लोगों को हमने इंस्ट्रक्शन दिए है कि इसको एकदम फोकस करके और जहाँ भी इसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है एकदम गवाही नहीं आ रही है तो उसके जज साहब मेरे से इन लोगों को मैंने बुलाया सर।